गुड इवनिंग, नमस्ते। चेयरशेक चैनल में आपका हार्दिक वेलकम है। और आज हम एक नई वैकेंसी देखने जा रहे हैं। तो ये वैकेंसी आपके कार्यालय अधिशाष्टता मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी गजराजा चिकित्सालय महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी किन के लिए निकली है, तो ये आपके संशोधित सूचना में आपको बताया था 19/3 को ये निकाल दिए ये मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग ने। तो इसमें इन्होंने मांगा है कि शासकीय या स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या गजराजा चिकित्सालय महाविद्यालय के संबंध में जो आरोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर के जो स्टाफ नर्स के लिए सीधी भर्ती निकाली है रिक्त पदों की पूर्ति हेतु। प्रदेश के शासकीय नर्सिंग स्कूल जितने भी हैं और जितने भी स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय हैं से जो उत्तीर्ण जो भी उम्मीदवार है वो उसके लिए उनका आवेदन यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें, देखिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मॉडल के लिए उन्होंने इस तरह से मांगा है। जो आरक्षण इस अनुसार रहेगा, पद नाम स्टाफ नर्स केवल महिला ही भर सकती है, 120 पद है, आप देख सकते हैं अनरिजर्व 28 है। इसके अलावा आपके SC ST OBC सबके मिला के लगभग काफ़ी पद रहने वाले हैं आपके, ये टोटल 120 पद है। सैलरी इनकी 28,791,300 है। और इसके अलावा स्टाफ नर्स संविदा 20% संविदा पर रखेंगे जिसमें केवल महिलाएं, 30 है इसमें जिसमें आपके ये देख सकते हैं अलग अलग विभागों में OBC SC ST के लगभग सब में काफ़ी पद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुल योग 150 वैकेंसी है और ये आपके OBC SC ST की काफ़ी सारी वैकेंसीज है। अब देखिए न्यूनतम योग्यता आपके होनी चाहिए, अभ्यर्थी ने बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों के साथ में 10+2 यानी 12वीं में ये चीज़ें उत्तीर्ण कर रखी हो उसने। इसके अलावा BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग या ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित वो हो जो भी महिला इसमें भर रही है ना, जो भी गर्ल्स है, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत परिचारिका वो होनी चाहिए, नहीं तो वो इसको नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। आगे बढ़ जाते हैं अपन, तो देखिए ध्यान रखिए गजराजा चिकित्सालय महाविद्यालय ग्वालियर एवं जो भी जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में जो स्टाफ नर्स के कुल स्वीकृत पदों पर नवीन राज्य स्तरीय आरक्षण मॉडल रोस्टर लगाने के उपरांत कुछ स्टाफ नर्सों का समायोजन कर पदों को निम्न अनुसार और वर्गीकरण किया गया है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो इसमें समायोजित करके पदों के जो बताए गए वो है कि केवल जो स्टाफ नर्स है महिला वो 157 पद है, इसमें आपके अनरिजर्व कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में स्टाफ नर्स आपके 20% केवल महिलाएं, ऐसे करके टोटल 204 पद इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये रोस्टर के बाद की सारी चीज़ें हैं, तो ये रोस्टर के बाद की वही बातें हैं। और इसके अलावा देखिए जो 20% नियमित पदों पर जो संविदा कर्मी लिए जा रहे हैं वो कर्मचारियों के लिए आरक्षित है ना, उस पर संविदा वाले आएंगे। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक या PWD दिव्यांग के रूप में दर्शाया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे, SN का मतलब ये है। और देखिए पृथक तैयारी की जाएगी, प्राथमिकता के आधार पर मेरिट बनेगी, उसके आधार पर आपको लिया जाएगा। नीचे देखते हैं अपन, तो वेतनमान एवं भत्ते, देखिए स्टाफ नर्स को 3 माह के लिए पारिश्रमिक 10,000 रुपये मिलेंगे और 3 माह के पश्चात नर्सों की परीक्षा ली जाएगी और उनके पश्चात उनको नियमित स्थापना पदों पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें 3 महीने तक आपको वो रहेगा ट्रेनिंग पीरियड और 10,000 रुपये मिलेंगे, फिर आपको अगले जैसा आपकी वो योग्यता रहेगी वैसा आपको कर देंगे। आरक्षण जो जैस भी है जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का उनका, उसके अकॉर्डिंग आपका आरक्षण दिया गया है। बस आपके बाद में सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी बातें होनी चाहिए, आप भूतपूर्व सैनिक है तो संबंध में उसका सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ पे पेश करें। और 10% चतुर श्रेणी के पदों की रिक्तियों में 20% हॉरिजॉन्टल प्रवर्ग वर्ग है ना प्रावधान होने के कारण भूतपूर्व सैनिक में 10% और चतुर श्रेणी में 20% पद आरक्षित रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आरक्षण से रिलेटेड काफ़ी कुछ नियम है। और देखिए आरक्षण में ये देखिए शहरिया बेगा एवं भरिया ये जो जनजाति है जिसमें आपके जिला शिवपुर मुरैना दतिया ग्वालियर भिंड शिवपुरी गुना अशोकनगर शहरिया आदिम जनजाति जिला मंडला डिंडोरी शहडोल उमरिया बालाघाट अनूपपुर की बेगा आदि जनजाति जिला छिंदवाड़ा सिवनी भारिया आदि के न्यूनतम आवेदकों की प्रति संबंधित प्रक्रिया अनुसरण भी नियुक्ति प्रदान की जाएगी है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अपन, और 20% पर संविदा जो कर्मी हैं उनके लिए आरक्षित किए गए। इसके अलावा आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा और 5 वर्ष की अवधि पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण करना चाहिए। इसके आशय का प्रमाण पत्र उससे प्रस्तुत करना होगा। संविदा के लिए आरक्षित पदों का लाभ तभी दिया जाएगा जो क्योंकि वो पहले 5 साल कहीं पर काम कर रखा हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे है ना। तो संविदा कर्मी इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कि उपरांत यदि आवेदक अवैधता रखते हैं तो संविदा तो आरक्षण पदों पर लाभ दिया जाएगा, नहीं रखते हैं तो उनका आवेदन पत्र ए मान्य होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अपन, तो आगे आपके आवेदन शुल्क आपके 500 रुपये होगा।
ये आपके अनरिजर्व के लिए और आरक्षित श्रेणी के लिए 250 होगा, जिसमें एससी एसटी वाले और ओबीसी वाले ये सारे आ जाएंगे। निशक्त जैन उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये भी उनके लिए भी ये निर्धारित किए गए। इसके अलावा आयु सीमा मैक्सिमम आपके 40 होनी चाहिए और मिनिमम आपके 18 होनी चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो उनकी जो शासकीय सेवाओं में है तो और जो जनजाति वगैरह की है ये एससी एसटी की उनके छूट है तो 45 वर्ष की हो सकती है। सामान्य शर्त ये है कि मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन होगी ये नियुक्ति, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अन्य उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, तो आप अपना पंजीयन करवा लें, है ना। और अनापत्ति या त्याग पत्र स्वीकार प्रमाण पत्र ये आपके पास में होने चाहिए। इसके अलावा आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से करेंगे। पदों में वृद्धि या कमी कर सकते हैं जैसा भी उनको लगता है। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता या संस्था द्वारा किसी तरह का कोई भी नहीं दिया जाएगा बेनिफिट। और इसके अलावा सेवा शर्तों के अधीन होगी जो भी है सेवा शर्तें, इनका आंशिक सुधार एवं परिवर्तन उसमें ये जैसा भी चाहेंगे कर सकेंगे। और अपने को उसको नियुक्त प्रमाण पत्र देना होगा। और अगर आप सीधी भर्ती के विरुद्ध आवेदन होने में स्वतंत्र हो गए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं अपन, तो आवेदक को मूल नियुक्त अधिकारी का अनापत्ति पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण के रद्द करने का सुरक्षा अधिकार भी ये महाविद्यालय के पास है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो भी अंतिम निर्णय होगा वो गजराज चिकित्सालय महाविद्यालय ग्वालियर द्वारा ही लिया जाएगा। इस बारे में अगर कोई न्याय वगैरह कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो खंडपीठ ग्वालियर में विचाराधीन होगा। और उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, अदर स्टेट के कोई भी इसमें नहीं भर सकते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये इसकी मुख्य मुख्य बात है। अनर्थ है अगर किसी भी कोई प्रयास किया जा रहा है या कोई अगर अनुशंसा की जा रही है किसी उम्मीदवार की ओर से सहायता प्राप्त करने हेतु या विवाह विवाह वगैरह में उसकी आयु वगैरह में कोई दिक्कत है या पुनर्विवाह कर लिया है, तो ऐसे जो अभ्यर्थी है वो आपके फर्जी माने जाएंगे, उनको इसमें एलिजिबिलिटी नहीं होगी। या फर्जी दस्तावेज या आपने फेर बदल कर दिया उसमें, तो ऐसा उम्मीदवार भी इसमें योग्य नहीं होगा, उसको अयोग्य करार दे दिया जाएगा। इसके अलावा नैतिक पतन वगैरह या कदाचरण संबंध ऐसे उम्मीदवार को भी योग्य माना जाएगा। इसके अलावा किसी के आपराधिक प्रकरण या न्यायालय में चल रहा है या आवेदक की दो या दो से अधिक संतान या तीसरी संतान का जन्म 26/1/2021 को हुआ हो या उसके बाद में हो रखा हो तो भी वो योग्य माना जाएगा। चयन प्रक्रिया आपके क्या होगी तो ये बता देता हूँ मैं आपको। वेटेज जिनका निम्न अनुसार रहेगा, तो ये मेन बात मैं आपको बताता हूँ कि उपरोक्त प्रक्रिया से पद भरने के उपरांत शेष रिक्त पदों के लिए संस्थाओं से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का सीधी भर्ती पर जाने वाले राज्य स्तरीय पदों के लिए 100 बिंदु रोस्टर का पालन एवं मध्य प्रदेश स्वशासी आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 के नियमों की कार्रवाई की जाएगी। तो ये मुख्य मुख्य नियम है, आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मेरे पास, मैं आपको इसमें अटैच कर रहा हूँ ताकि आप और उसको देख सके। बाकी इसके अलावा आपके दस्तावेज वगैरह सही होने चाहिए और भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान से आप उत्तीर्ण नहीं होंगे तो ये आपको नहीं लेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह ये सारे चेक करेंगे, उसके बाद ही सारी चीजें होगी। इसके अलावा बीएससी जीएनएम नर्सिंग और 5 मार्क्स पर 10% और बीएससी मार्क्स और 20% फॉर जीएनएम, है ना। ये इसमें आपको कुछ ये दे रहे हैं मेरिट सूची जो तैयार की जाएगी, ये छूट वगैरह इस तरह से रहेगी। और इसके अलावा मैक्सिमम जैसे 50 नंबर है इसमें मैक्सिमम 20 है, इसमें आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, है ना, कि आपने कितना सा ये काम कर रखा है पर ईयर के हिसाब से ये आपको मार्क मिलेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका काम रहेगा वो कैसा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आवेदन संबंधित जो गतिविधि होगी, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होने की तिथि 16/3/2021 से शुरू हो गया जो 11:59 तक रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन की अंतिम तिथि आपके 30 तारीख रहेगी जो 12:00 तक रहेगी। आवेदन करने की प्रक्रिया आपको मैं बता दूं, वेबसाइट पे जाएं, इस वाली वेबसाइट को लॉगिन करें आप और इसको अगर आप जैसे खोलेंगे तो ये आपके यहाँ जाके आप ये अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, तो मैं आपको इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ एक मिनट लिंक को। तो देखिए ये यहाँ ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ ले, आपके दस्तावेज वगैरह तैयार कर ले, मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आवेदित हेतु जो भी डिग्री डिप्लोमा आपकी नर्सिंग के जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र फोटो पहचान प्रमाण पत्र 12वीं की अंक सूची नवीन फोटो आपकी आरक्षित श्रेणी के लिए जो सर्टिफिकेट आपका या जो भी दस्तावेज है वो आपको 200 के बीच से ज़्यादा करनी हो और हस्ताक्षर सही, तो ये सारी बातें आप तैयार करके फिर ही जाए आपके ये MPV ये आपके www.mponline.gov.in इस पे जाके आप यहाँ पे ये रजिस्टर कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें मुख्य मुख्य बातें हैं।
इसके अलावा ये देखिए, मैं एक बार लिंक खोल रहा था, तो मैं आपको खोल के दिखा दूँ कैसे क्या करना। ऑनलाइन आवेदन प्रति संबंध महत्वपूर्ण जानकारी, तो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो केओस लिस्ट है वहाँ से आप देख कर वहाँ पे घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, इंडिया इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको सारी बात ध्यान रखनी है कि इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे क्या आएगा, सारी चीज़ें हैं। आप ये आपके हाइपर लिंक कर रहे सारी चीज़ें सेट कर लें वहाँ पे, आपके जो जेपीजी इमेज 200 KB से ज़्यादा की नहीं हो, ये मुख्य मुख्य बातें हैं। और पेमेंट वगैरह आप आपके इंटरनेट बैंकिंग से या किसी के भी थ्रू आप इसमें कर सकते हैं, बाकी आप किसी से भरवा सकते हैं ना दोस्तों। तो मैं आपको इस पर बता देता हूँ कि आपको कैसे भरना है। ये आपकी वेबसाइट अभी भी नहीं चल रही है, www.gov.in, मैं आपको बता देता हूँ, online.gov.in। ये देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं, तो ये भी चल नहीं रही है वेबसाइट आपकी, वैसे ये चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, लिंक मैंने सही से आपको ये कॉपी कर लिया है, लेकिन एक बार आप इस पर जाएंगे तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं तो इसकी ये दूसरी वेबसाइट और दे रखी है, ग्वालियर की वेबसाइट, तो इस पर जाके आप भी कर सकते हैं mponline.gov.in पे। तो ये आप इजीली इसको यहाँ पे जाके कर लिए .gov.in। ये अभी इसका शायद कोई दिक्कत आ रही है, बाकी ये खुल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, ये देखिए ये यहाँ पे आपकी वेबसाइट खुल गई है, यहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। ये आपके ये सेवाएं ऑनगोइंग, ये यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, हमारे बारे में ये सारी चीज़ें, संपर्क करें कोई शिकायत, आपको कोई भी दिक्कत हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। पहले लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद में आप यहाँ से आवेदन करके सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया वो आप तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, ये थी आपके वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल, और कोई